Hello student, today we are going to start the Euler's modified method. So let's see the formula, basic concepts of the Euler's modified method. This method is used to solve the differential equation, first order differential equation. So consider d bar by dx equal to f of x bar is the differential equation, means whatever in the question the differential equation is given, you have to consider d bar by dx as f of x bar. With the given condition y is 0 is equal to y 0, this will be given in the question. First of all, any one differential equation with condition will be given to us in the question. Now, what do we need to do? We need to do y1. By using Euler's method, Euler's formula, y1 is y1 equal to y 0 plus h times of x 0, y 0. First of all, y1 is y1, this will open up for y 0 plus h times of x 0, y 0. फिर आपको क्या करना है, इसी का मॉडिफाइड वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग बोलेंगे y11। इसलिए फॉर्मूला है y11 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1। ठीक है, यहाँ पर x1 रहेगा, x0 प्लस h बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ x बोलता है h, स्टेप डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। फिर अगेन y11 इन बेटर वैल्यू ऑफ y1 और वन निकालने के बाद फिर से एक और बार इसकी भी बेटर वैल्यू निकालिए, एक और दूसरी तो उसको बोलिए y1। तो इसका फॉर्मूला रहेगा y0 प्लस 8 बाई 2 एफ ऑफ एक्स 0 y0 एफ ऑफ x1 कॉमा y1 1। इधरों फॉर्मूला डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x1 y1 यूज़ किया है, ये y1 यहाँ जो आंसर है वो यूज़ करना है, राइट। और इन y12 ये y1 की जगह पर y1 ये प्रीवियस आंसर है, यहाँ पर हमें लिखना होगा। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है, बेटर वैल्यू ऑफ y1 बार में लेते जाएंगे until we get two equal values of y1। फिर हम लोग अगर two equal values आ जाती है तो terminate कर देंगे प्रोसीजर। रिमेंबर स्टूडेंट, हमें पहले क्या निकालना है, y1 y0 plus h for 0 comma y0 y1 1 better value, then y1 2, then y1 3 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें रहेगा y0 by 2 for 0 y0 y1 का जगह y1 2 आ जाएगा। इस लेसन में कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब दो कोई भी दो y1 इक्वल नहीं आ जाएगा, तब तक हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा Euler's modified method। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द Euler's modified method। तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।